अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे खड़े मसाले वाली हरे कद्दू की रेसिपी जो कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और साथ ही खाने में बहुत जायकेदार। आप मेरे बताए तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, जिसको बीच में से तोड़ लेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 5 से 6 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। ये सब तेल में डाल देंगे और सौटे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर चॉप्ड गार्लिक, इसको भी थोड़ा सौटे कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के अनियन चॉप की हुई और 1 टीस्पून चॉप ग्रीन चिलीज, ये डाल देंगे, और मीडियम आंच पर प्याज लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। देखें, प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे कद्दू। कद्दू 1 किलो है, जिसको धोकर मोटे पीसेस में कट कर लिया है। इस सबको कढ़ाई में डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर लिड लगाकर 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। देखें, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और अच्छे से मिला लेंगे। फिर अगेन इसके लिड लगाकर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कद्दू गलने तक पका लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कद्दू अच्छे से गल चुका है। अब कद्दू को इस तरह से चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे। जब कद्दू अच्छे से मैश हो जाए तब इसमें 4 से 5 फांक अमचूर की डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर देंगे और कद्दू को 1 मिनट तक भून लेंगे। जब कद्दू अच्छे से भून जाए तब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर और 1/4 टीस्पून कलौंजी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और शुगर घुलने तक 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। लीजिए, कद्दू हमारा पककर तैयार है। बहुत कम वक्त में आसान सी रेसिपी बनकर तैयार है। एक बार इसको मेरे बताए तरीके से जरूर ट्राई करें। जो लोग कद्दू को पसंद नहीं करते वो भी इस सब्जी को शौक से खाएंगे। इस सब्जी को पूरी, रोटी, पराठों के साथ सर्व किया जाता है। जैसे भी खाएं बहुत जायकेदार लगती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।